नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और केड़कर हॉस्पिटल में काम करता हूँ, अकोला में, महाराष्ट्र में। आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है स्टेज डेयरिंग या सोशल फोबिया भी हम उसको बोल सकते हैं। बहुत सारे पिछले 3 साल में ऐसे पेशेंट देखे हैं मैंने जो अपने एकेडमिक्स में, अपने काम में, अपने जॉब में, अपने फैमिली में बहुत ही अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका प्रॉब्लम तब आता है जब वो स्टेज पे जाते हैं या लोगों के सामने जाते हैं या शादी में जाते हैं या उनको कोई पब्लिक परफॉर्मेंस देना पड़ता है, तब उनकी नैया डूब जाती है, तब उनको डर लगने लगता है। इसको हम बोलते हैं स्टेज डेयरिंग या सोशल फोबिया। सोशल फोबिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अदरवाइज नॉर्मल लगने वाले लोग भी इससे हैम्पर हो जाते हैं, उससे उनके फंक्शनिंग में इंपेयरमेंट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं जिनको हम मैं मिलता हूं, जो मुझे बताते हैं कि डॉक्टर हमको ये प्रॉब्लम है और हमको ये प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए। ये प्रॉब्लम होती क्यों है? देखिए, सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि मुझे स्टेज डेयरिंग नहीं है या मुझे सोशल फोबिया है। इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है या ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सीरियस बीमारी नहीं है। तो इसलिए एज सून एज यू एक्सेप्ट द फैक्ट कि मुझे ये बीमारी है या मुझे ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हम ट्रीटमेंट के तरफ बढ़ने लगते हैं। ये होता क्यों है? देखिए, होता क्या है, हम बचपन में तो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन बचपन में जब हम बढ़ते रहते हैं तो धीरे धीरे ऐसे कोई ना कोई घटना हो जाती है या कोई इंसिडेंट हो जाता है या कोई हंस देता है या कोई क्रिटिसाइज कर देता है या हम लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं, उस वक्त हमारे दिमाग में ये फिट बैठ जाता है कि मैं ये चीज कर नहीं पाऊंगा या मुझे स्टेज डेयरिंग है नहीं, और तब से हमारा कॉन्फिडेंस धीरे 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 कम होने लगता है। जब मैं लोगों से बात करता हूं, स्टेज डेयरिंग जिनको नहीं है, मैं उनको जब मैं लोगों से बात करता हूं तब लोग बोलते हैं, दो ही चीजें इंपॉर्टेंटली बोलते हैं, एक कि लोग मुझे हंसेंगे या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, नंबर वन, और नंबर टू, मेरे को इनफ कॉन्फिडेंस नहीं है। ये दो मेन प्रॉब्लम्स स्टेज डेयरिंग में या सोशल फोबिया में हमें दिखाई पड़ती है। अगर ये दो प्रॉब्लम्स पे हमने विक्ट्री पा लिया तो हमारा 99% जो प्रॉब्लम है स्टेज डेयरिंग का वो पूरी तरह चला जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो जो लोग क्या कहेंगे या लोग क्रिटिसाइज करेंगे ऐसा जो प्रॉब्लम है वो हमने सबसे पहले दिमाग से निकाल देना चाहिए। और नंबर दो, रही बात कॉन्फिडेंस की, तो हमने ये सोचना चाहिए कि सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे ही है और उस हिसाब से हमने स्टेज पे जाना चाहिए। देखिए, होता क्या है, स्टेज डेयरिंग के न होने के कारण या सोशल फोबिया होने के कारण इसका इंपैक्ट वो पेशेंट के और पेशेंट के जो आजू बाजू के लोग हैं उन पे दिखाई पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट एक्सेल नहीं कर पाता कोई भी चीज में, एकेडमिक्स में या कोई एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या जब पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स होता है तब ऐसी चीजों में पेशेंट एक्सेल नहीं कर पाता, सक्सेसफुली डील नहीं कर पाता, और उसके कारण फिर पेशेंट को डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आती है, सुसाइडल विचार आते हैं, घबराहट होने लगता है। इसलिए इतना इंपैक्ट उसका होता है स्टेज डेयरिंग न होने का। इसके ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली हमको यह समझना है कि इसकी 3 प्रकार की ट्रीटमेंट है। एक सबसे इंपॉर्टेंट है काउंसिलिंग। जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि क्रिटिसिज्म अवॉइड करना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना, ये और इसके साथ में ही काउंसिलिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अलग अलग पेशेंट से मिलता हूं, उसमें स्टेज डेयरिंग या कॉन्फिडेंस न होने वाले पेशेंट को भी मिलता हूं, उनसे मैं काउंसिलिंग करता हूं, उनको काउंसिलिंग की कुछ टिप्स देता हूं, और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि काउंसिलिंग के बाद उनमें अप्रोक्सीमेटली 50% इंप्रूवमेंट हमको दिखाई पड़ती है। सेकेंड नंबर का जो ट्रीटमेंट है वो है सम्मोहन, जिसको हम बोलते हैं हिप्नोसिस या रिलैक्सेशन। बेसिकली सम्मोहन में, मैं पहले भी वीडियो से बता चुका हूं, सम्मोहन में होता क्या है, हम ब्रेन को ऐसी कुछ सूचनाएं देते हैं, ऐसे कुछ मैजिकल इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिसके वजह से ब्रेन जो है वो ऐसा ट्रेन होता है या डेवलप होता है जिससे पेशेंट को स्पीकिंग में, सोशली या स्टेज पे जाने में डर नहीं लगे और वो अच्छी तरह परफॉर्म कर सके। तो यह है सेकेंड प्रकार के ट्रीटमेंट। और थर्ड है मेडिसिन। आज ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार की मेडिसिन तैयार हुई है, डेवलप हुई है, जिसको देने के कारण पेशेंट की जो टेंशन है, पेशेंट को जो फोबिया है, पेशेंट को जो डर है, वो पूरी तरह निकल जाता है।
ऐसे स्टेज डेयरिंग पे या सोशल फोबिया पे हम डेफिनेटली जीत पा सकते हैं, इसको डेफिनेटली हम उखाड़ के फेंक सकते हैं। खाली इंपॉर्टेंट ये है कि हमने काउंसलिंग लेना, हिप्नोसिस मतलब सम्मोहन सीखना और मेडिसिन लेना। अगर ये बीमारी से आप, ये बीमारी के जो जकड़ है उससे अगर आप बाहर आते हैं तो 100% इफेक्टिवली आपके लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके लिए केड़का हॉस्पिटल में हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं जो अकोला में स्थित है। ये थी इंफॉर्मेशन स्टेज फोबिया, स्टेज डेयरिंग और सोशल फोबिया के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ये वीडियो को लाइक करिए, ये वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी आगे के वीडियोस भी लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।